साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, इनका चौथा संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन आज यहाँ नासिक में हो रहा है और इसके लिए जो विषय रखे गए हैं वो विषय है एससी एसटी ओबीसी एवं अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे मॉब लिंचिंग भीड़ तंत्र के मुद्दे धार्मिक नहीं राजनीति का हिस्सा है, ये एक विषय है। दूसरा है चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना यानी भारतीय लोकतंत्र की हत्या करना तथा मतदाताओं के वोट का अधिकार समाप्त करना, ये दूसरा विषय है। और जो प्रतिनिधि सत्र है उसके विषय है विद्यार्थी युवा बेरोजगारों का राष्ट्रीय संगठन बनाए बगैर किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है, अथवा शैक्षणिक जागृति के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक जागृति निर्माण करना या आंदोलन की पूर्व शर्त है एक मंथन। साथियों, ये चार विषय है, इसको मैं आपके सामने कंक्लूडिंग में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। 2:30 बजे तक का समय है, ज़्यादा समय नहीं है, तो क्योंकि भोजन का भी समय ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं आधे पौन घंटे में इस बात को आपके सामने उठाना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। पहली बात तो जो मॉब लिंचिंग है, तो मॉब लिंचिंग ज़्यादातर अभी तक जो देखने में आया है वो शेड्यूल कास्ट और मुसलमान और क्रिश्चियनों के विरोध में, और कहीं दो एक दिल्ली और दूसरी एक जगह यूपी, यहाँ सिखों के ऊपर मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई है। शेड्यूल कास्ट के ऊपर मॉब लिंचिंग की घटना गुजरात में हुई और मुसलमानों के ऊपर सारे देश भर में हुई और क्रिश्चियनों के ऊपर भी देश के कई हिस्सों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है। सिखों के ऊपर दिल्ली में और कल परसों उत्तर प्रदेश में एक जगह हुई, माइनॉरिटी में मुस्लिम और सिख और ईसाई, उसके बाद में जो बुद्धिस्ट लोग हैं और जैन है और लिंगायत है, इन लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग होते हुए हमें अभी ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं दी, ऐसी कोई नोटिस सामने नहीं आई है, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। एक तो 9 प्रकार के धर्म भारत में है, एक है ब्राह्मण धर्म, ज्यादातर जो नासमझ लोग है वो नासमझ लोग ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा नासमझ लोग मुस्लिम है। पहले नंबर के नासमझ लोग मुस्लिम है, वो पढ़े लिखे ज्यादा है मगर नासमझ ज्यादा है, वो ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म मानते हैं। अभी सोलापुर में क्रिश्चियनों का
स्टेट लेवल का सम्मेलन हुआ, वहां भी मैंने देखा क्रिश्चियन लोग भी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म मानते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं जो जिसके बारे में जागृति किया जाना जरूरी है, और जागृति करने के लिए एक सिंपल सवाल मैं आपके सामने उठाता हूं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम क्या है। तो लोग बोलेंगे वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये बोलते हैं। ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये तो सारे के सारे ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। ये जो सारे धर्म ग्रंथ है, ये तो सारे के सारे ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का टाइटल है द लिटरेचर ऑफ ब्रह्मनिज्म। उस आर्टिकल का टाइटल है द लिटरेचर ऑफ ब्रह्मनिज्म। तो उस लिटरेचर ऑफ ब्रह्मनिज्म में उन्होंने लिस्ट दिया वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, द लिटरेचर ऑफ ब्रह्मनिज्म। तो ब्राह्मण जो लोग हैं, इन लोगों ने जानबूझकर अपने धर्म की वास्तविकता को उजागर करने से रोकने के लिए खुद ही इस लबादे को ओढ़ा हिंदू नाम के। ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ये नाम मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। मुसलमानों का विदेश से जब आगमन हुआ तो उन्होंने यहां की प्रजा को हिंदू माना, हिंदू कहा। मुसलमानों का आगमन भारत में होने के पहले कहीं पर भी भारतीय लिटरेचर में हिंदू शब्द उपलब्ध नहीं है। कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जो जितना लिटरेचर है, संस्कृत भाषा का जो लिटरेचर है, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये जितने ग्रंथ है जिसे लोग हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कहते हैं, इसमें हिंदू नाम का शब्द ही नहीं है। ये जो, क्योंकि ये मुसलमानों के आगमन के पहले लिखे गए, मुसलमानों का आगमन होने के पहले लिखे गए। तो इसलिए उस लिटरेचर में हिंदू शब्द नहीं है। और मुसलमानों का जो राजकाज भारत में चला, वो राजकाज के व्यवहार में हिंदू शब्द व्यवहार में दिखाई देता है, वो यहां की प्रजा को हिंदू कहते हुए दिखाई देते हैं, जो दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है। ये इस बात का प्रमाण है कि मुसलमानों के द्वारा यहां की प्रजा को हिंदू नाम दिया गया। इसको हम समझने के लिए थोड़ा और विस्तार से मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, थोड़ा समय लेकर। ब्राह्मण खुद इस बात का प्रचार करते हैं कि सिंधु शब्द जो है उसका उच्चारण पर्शियन भाषा बोलने वाले लोगों को करना नहीं आता था। स सिंधु, स का उच्चारण करना नहीं आता था, इसलिए वो स का ह उच्चारण करते थे। तो इसलिए सिंधु का उन्होंने हिंदू कर दिया। ब्राह्मण खुद ही ऐसा कहते हैं।
और अगर ऐसा है तो फिर हिंदू शब्द का अर्थ होता है और वो अर्थ है क्षेत्रीयता से संबंधित है, इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर हिंदू से हिंदू हुआ तो इसका मतलब है कि इसका संबंध क्षेत्रीयता से जुड़ा हुआ है, रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस सृष्टि से भी ये रिलीजन से रिलेटेड शब्द नहीं है, इसलिए हिंदू शब्द को हिंदू धर्म ऐसा उच्चारण नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने जनगणना के पहले गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया, क्योंकि कुछ मुस्लिम लोगों ने मुझे सवाल उठाया था कि कोई सरकारी रिकॉर्ड में ब्राह्मण धर्म शब्द का उपयोग हुआ है, तो मैंने छत्तीसगढ़ सरकार ने जो सर्कुलर इशू किया था वो सर्कुलर में ब्राह्मण धर्म शब्द का उपयोग था और एक ब्राह्मण सेक्रेटरी ने वो ऑर्डर इशू किया था और वो मैंने वली रहमानी साहब को वो लेटर दिया है कॉपी, अजय साहब वो लेटर मैंने वली रहमानी साहब और रहमानी साहब को दिया है, ये सरकार के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है ब्राह्मण धर्म। और ज्यादातर ये शब्द तब प्रयोग में आया जब अंग्रेजों ने अपने यहां एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन शुरू किया प्रौढ़ मताधिकार का, तो भारत के ब्राह्मणों ने सोचा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंग्लैंड में जो कानून पास होगा वो भारत में आ जाएगा, क्योंकि भारत में भी अंग्रेज लोग हैं और अगर इंडिया में प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार आ गया तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार मिलेगा, और अगर मिल गया तो ये लोग बहुसंख्य होंगे, अगर ये लोग बहुसंख्य होंगे तो ब्राह्मण जो है 3.5% अल्पसंख्य हो जाएंगे, और लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार अल्पसंख्यक ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग नहीं बन सकते अगर चुनाव हुआ। तो इसलिए ब्राह्मणों ने चालाकी से, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो 2-3 हजार साल के जाहिल लोग हैं, जाहिल शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये शब्द मुसलमानों को जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये मुसलमानों के लिटरेचर का शब्द है जाहिल, नहीं तो हिंदी का शब्द है अनपढ़, मैं जाहिल जानबूझकर यूज कर रहा हूं ताकि मुसलमानों को समझ में आ जाए कि हम लोग ब्राह्मणों के द्वारा जाहिल रखे हुए लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी जाहिल रखे हुए लोग हैं, पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखे गए लोग हैं। अगर ये जाहिल रखे हुए लोग हैं तो जाहिल लोगों को अपने फैसले लेना नहीं आता, तो उनके फैसले जिन्होंने उनको जाहिल बना के रखा वो लेते हैं, तो उन्होंने फैसले लिया उनके बारे में कि ये हिंदू है, एससी एसटी ओबीसी का ये हिंदू है, और किसी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पूछा भी नहीं तुम हिंदी हो क्या है, तुम हो क्या हिंदू, क्योंकि जो मालिक होता है गुलामों को पूछकर फैसले नहीं करता, जो मालिक होता है वो गुलामों को पूछकर फैसले नहीं करता, वो कहता मैं तो मालिक हूं और मैं अपने फैसले लेने का अधिकारी हूं। तो उन्होंने हिंदू शब्द को हिंदू धर्म तक एक्सटेंशन किया, विस्तार किया, उससे क्या हुआ, उससे उनको अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक होने का मौका मिला। जब चुनाव लड़ना है
और ब्राह्मण अगर ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ता है तो 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनकर आ सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हिंदू के नाम पर अगर हम लोग वोट मांगते हैं तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हिंदू शब्द के कवर में छुप जाएगा और छुपकर नेता ब्राह्मण ही बनेगा और एससी एसटी ओबीसी के वोटों का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करने के लायक हो जाएगा। बहुत सोच समझकर, बहुत विचार पूर्वक, क्योंकि तो जाहिल लोग हैं ये, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग इधर दिख रहे हैं ये तो ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अंबेडकर और अंग्रेजों की वजह से हुआ। कोई भी ब्राह्मण यह दावा नहीं कर सकता कि हम लोगों ने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पढ़ाने का काम किया या उनको अधिकार देने का काम किया, बल्कि उन्होंने हजारों साल से इन लोगों को जाहिल बना के रखा ताकि इन लोगों से हर प्रकार का काम किया जा सके। ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने सोचा कि एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार अगर लागू हो गया तो इनका बहुमत होगा, इनका राज होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदू जो क्षेत्रीय शब्द था उसको उन्होंने हिंदू धर्म में रूपांतरित करने के लिए कोशिश की। इस कोशिश में सबसे बड़ा काम फसादों ने किया। फसादों ने सबसे बड़ा काम, जो फसाद आजाद भारत में लगभग 65,000 फसाद आते हुए, ये माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट है, कई लाख मुसलमान मारे गए और कई एससी एसटी ओबीसी के लोग मारे गए। जब हिंदू और मुसलमान का फसाद होता है तो होता कैसे है, जो मुसलमान एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो गए और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग धर्म परिवर्तन नहीं किए, ये दो लोगों के बीच में फसाद होता है, होता नहीं करवाया जाता है। और जो ब्राह्मण अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक बनने के लिए ये फसाद करवाता है। कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा फसादात हुए और 65,000 फसादात हुए, कई लाख मुसलमान मारे गए। और जब भी फसाद होते थे तो कांग्रेस का होम मिनिस्टर, जो पुलिस विभाग का सर्वे सर्वा होता था, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, वो ये कहता था कि इसमें आरएसएस का हाथ है, इसमें बजरंग दल का हाथ है, इसमें शिवसेना का हाथ है, सरकार कांग्रेस की, होम मिनिस्टर कांग्रेस का, पुलिस विभाग कांग्रेस का, सीआईडी कांग्रेस का, सीबीआई कांग्रेस का, और कांग्रेस कहती इसमें आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, शिवसेना का हाथ है। अबे सरकार तेरी है, तू बोल रहा है उसका हाथ है, इसका हाथ है, इसका हाथ है, तो पकड़ ले, सरकार तेरी है, तू केवल बोल रहा है इसका हाथ है, इसका हाथ है, इसका हाथ है, तो पकड़ ले, सरकार तो तेरी है, होम डिपार्टमेंट तेरा, पुलिस तेरा, सीआईडी तेरा, सीबीआई तेरा, सब कुछ तेरा, तू केवल बोल रहा ये है, ये है, ये है। कांग्रेस के लोगों ने कभी फसाद करने वाले लोगों को नहीं पकड़ा, क्यों, क्योंकि कांग्रेस का यह सोच था कि अगर फसाद करने वाले लोगों को पकड़ा जाए और उनको जेल करवाया जाए तो अगले बार फसाद करने के लिए लोग कहां से लाएं, और अगर फसाद नहीं होगा तो मुसलमान इनसिक्योर नहीं होगा, मुसलमान असुरक्षित नहीं होगा। जब मुसलमान असुरक्षित नहीं होगा तो कांग्रेस को वोट कैसे देगा, तो कांग्रेस वोट लेने के लिए मुसलमानों को प्लान बनाकर असुरक्षित करती थी और असुरक्षित करने के बाद फिर इनका वोट लेती थी।
तो कांग्रेस को फायदा ये होता था कि मुसलमानों का एक गट्ठा वोट मिलता था और उनके लिए 5 साल तक करना भी कुछ नहीं पड़ता था। ये सारा काम जब कन्वर्टेड मुस्लिम्स एससी एसटी ओबीसी कन्वर्टेड मुस्लिम और नॉन कन्वर्टेड एससी एसटी ओबीसी, ये जो फसाद है इनके बीच में होता है। फसाद कभी हिंदू मुसलमान का नहीं होता, फसाद होता है एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान। मुसलमान कौन? एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड है, ये कोई विदेश से आए लोग नहीं है, ये यहीं के। अगर डीएनए का टेस्ट करो मुसलमानों का और एससी एसटी ओबीसी का, मैं दावे के साथ बोलता हूं इनका डीएनए मुसलमान का डीएनए आपस में मिल जाएगा। और ऐसा रिपोर्ट लखनऊ में तैयार भी हुआ है, सुधा श्रीवास्तव ने तैयार किया है। तो फसाद हिंदू मुसलमान में नहीं होता है, फसाद एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों में होता है। और जब फसाद हो जाता है, वो होने के बाद अखबार में जब खबर आती है तो खबर में लिखा होता है हिंदू मुसलमान का फसाद। फसाद होता है एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान, मगर अखबार में खबर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद। फसाद हिंदू मुसलमान में नहीं होता है, फसाद होता है एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान, मगर अखबार में खबर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद। जब फसाद हिंदू मुसलमान का खबर आती है, खबर आने के बाद जो जाहिल एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, तब उनको लगता है अच्छा तो हम हिंदू है, हम हिंदू है, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा हमको तो साला पता ही नहीं था हम हिंदू है। अरे फसाद होने के बाद ये जाहिलों को पता जाए हम हिंदू है। अच्छा चूंकि ये प्रतिक्रिया से हिंदू बनते हैं, इसलिए परमानेंट हिंदू नहीं होते, टेम्पररी हिंदू होते हैं, क्योंकि ये प्रतिक्रिया में हिंदू होते हैं। हिंदू मुसलमान में जब फसाद होता है तो दोनों तरफ प्रतिक्रिया होती है। मुसलमान पर प्रतिक्रिया होती है कि ये हिंदू है, और एससी एसटी ओबीसी के ऊपर प्रतिक्रिया होती है अखबार पढ़ने के बाद, टीवी देखने के बाद, अच्छा 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 हम हिंदू है, तो वाला पता ही नहीं था हम हिंदू है। क्योंकि 3000 साल से सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग ने जब हत्या की, पाटलिपुत्र में हत्या करके पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र पटना से वाराणसी आया, वाराणसी से फैजाबाद आया, और फैजाबाद के पास 7 किलोमीटर अंतर पर जो पूरा एरिया साकेत था, और एंशियन इंडिया में साकेत बहुत बड़ा व्यापारी सेंटर था, बुद्धिस्ट सेंटर था, वहां पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बसाई और राजधानी का नाम रखा अयोध्या। कितने लोगों को पता है ये अयोध्या पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी, रामायण में राम की थी, जो वाल्मीकि ने लिखा हुआ रामायण है उस रामायण में वो राम की थी, मगर इतिहास में पुष्यमित्र शुंग की थी। अयोध्या करीब ही राम की राजधानी नहीं थी, वो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी, और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे, और पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है, क्योंकि आज तक कोई फिजिकल एविडेंस राम के जन्म का अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। सीता के बारे में तो आपको पहले से बताया है, वो हल चलाते चलाते मिली, इसलिए उसका भी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। जैसे राम का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं, वैसे सीता का भी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, दोनों का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। ये दोनों का फिजिकल एविडेंस नहीं है, इससे और ज्यादा प्रमाणित होता है कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है और राम नाम का कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है।
आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि जहां पर ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और अभी मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, आप अगर वीडियो लेकर जाओ या आप रिकॉर्डिंग सिस्टम लेकर जाओ और उसके आसपास 2-3 किलोमीटर आसपास उस जगह के आसपास घूमो, घूमने के बाद आपको पता चलेगा कि वो सारा का सारा बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है, सारी की सारी 100%। तो इसलिए मैं कभी भी ये कहते रहता हूं कि ब्राह्मणों ने पहले बुद्ध विहारों को नष्ट करके मंदिर बनाए, क्योंकि सम्राट भगत मौर्य की हत्या के पहले मंदिर शब्द लिटरेचर में उपलब्ध नहीं है। मंदिर शब्द जो है सम्राट भगत मौर्य की हत्या करने के पहले भारतीय साहित्य में मंदिर शब्द उपलब्ध नहीं है। मंदिर जो शब्द उपलब्ध हुआ वो सम्राट भगत मौर्य की हत्या करने के बाद विहारों को ब्राह्मणों ने या तो नष्ट किया या तो उसका रूपांतरण किया, उसको मंदिर में रूपांतरित कर दिया। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि बात आप लोगों को पता चले। तो ये जो जाहिल लोग हैं सारे देश भर में SC ST OBC के ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए पुष्यमित्र शुंग की हत्या करने के बाद ये जो जाहिल लोग बनाए पैदा किए हुए लोग हैं, उन लोगों का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्रतिक्रिया में जब कोई हिंदू बनता है तो वो परमानेंट नहीं बनता, वो टेम्पररी बनता है, इसलिए ब्राह्मणों की सरदर्दी बना रहता है हमेशा, उसको हिंदू बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए बार बार फसाद करना पड़ता है। एक बार फसाद करने से हिंदू हो गया, फिर दोबारा फसाद करना पड़ता है क्योंकि वो कुछ दिन के बाद भूल जाता है कि हम हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है नहीं, उसका जीवन जो है वो हिंदू सिस्टम से चलता नहीं है, जाति व्यवस्था में चलता है, अस्पृश्यता में चलता है, वर्णा सिस्टम में चलता है। तो ये सारा ब्रह्मनिकल सिस्टम है, इसमें चलता नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है। तो वो जो भूल जाता है ब्राह्मण की समस्या होती है, इसलिए ब्राह्मण इनको बार बार याद दिलाता है तुम हिंदू हो, इसके लिए उसको बार बार फसाद करना पड़ता है। तो 65,000 फसाद हुए आजाद भारत में। तो बार बार फसाद करवाना पड़ता है। तो अभी उन्होंने कोई नए तरीके डेवलप किए, वो नए तरीके में एक बड़ा तरीका था बॉम्ब ब्लास्ट करना। तो ब्राह्मणों ने जितने भारत में पिछले समय में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मेरे पास 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की लिस्ट है, वो ब्राह्मणों ने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। ए अपरंती साहब जो है पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी रहे, उनको पूछ लेना, बहुत सारे ब्राह्मण अभी भी उनको जमानत नहीं मिली, वो अंदर है, ये दयानंद पांडे अंदर है, कर्नल प्रसाद पुरोहित कल तक अंदर ही था, अभी जमानत पर है, उसके ऊपर से केस नहीं हटाया, केस अभी भी चल रही है, केवल जमानत पर छूटे हुए है। अजमेर में बॉम्ब ब्लास्ट में RSS के आदमी को 20 साल की आजीवन सजा हुई है, आजीवन सजा हुई है। इसका मतलब है कि कोर्ट के द्वारा आजीवन सजा होना इस बात को सिद्ध करता है कि RSS दहशतगर्द संगठन है। कितने लोगों को समझ में आता है? सीमी पर तो पाबंदी है, मगर इसके आधार पर RSS पर भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट में RSS के आदमी को आजीवन कारावास हुआ, और पहला एग्जाम्पल है। जानकारी के लिए बता रहा हूं, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके आधार पर। तो अभी नया तरीका उन्होंने डेवलप किया बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट जो मामला है ये बहुत खतरनाक मामला बनता है, और बॉम्ब बनाने के लिए RDX मटेरियल चाहिए था। तो कर्नल प्रसाद पुरोहित मिलिट्री में था, और RDS मटेरियल मिलिट्री में मिलता है, मिलिट्री के बाहर मिलता नहीं है। तो कर्नल प्रसाद पुरोहित ने मिलिट्री से RDS मटेरियल लाकर लगभग 600 लोगों को ट्रेनिंग दिया। ये जो बॉम्बे में जो कसाब के द्वारा मारे गए
एटीएस के प्रमुख, क्या नाम उनका, कर्नल हेमंत करकरे को मारा गया। हेमंत करकरे को जो मारा गया तो ये प्रचार करवाया गया कि वो कसाब ने मारा, मगर अखबार में और इसमें रिकॉर्ड अवेलेबल है कि वो लोग जो गोलियों से मारने वाले लोग थे वो हॉस्पिटल में वो AK-47 लेकर घुस गए तो घुसने के बाद वो लोग आपस में मराठी में बात कर रहे थे। ये एग्जामिनेशन में एक नर्स ने पुलिस वालों को बताया कि वो आपस में मराठी में बात कर रहे थे। और महाराष्ट्र टाइम्स में उनका फोटो छपा तो उनके हाथ में लाल धागे का कलावा बना हुआ था। कलावा जानते हो ना, मैंने तुम्हारे पुरखों को इसी तरह से बांधा था, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे दादा को बांधा था, और अभी मैं तुमको बांध रहा हूं, तुमको भी मैं उसी तरह से गुलाम बना रहा हूं। ये मालूम है आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे गधे लोग हैं जो ये बांधते रहते हैं। हमारे SC/ST ओबीसी में बहुत ज्यादा गधे लोग ऐसे, गौरव से ऐसे ऐसे दिखना चाहिए, लाल में ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा खुला रखते हैं। बहुत धार्मिक आदमी है, ब्राह्मण जो है वो खुलकर उसको गला बनाता है कि तेरे पुरखों को बांधा, तेरे बाप को बांधा, तेरे दादा को बांधा, अब तेरे को बांध रहा हूं। वो संस्कृत में है, वो उसका बांधते वक्त संस्कृत में कहता है, सब कुछ है इसमें रिकॉर्ड में। यार डॉक्यूमेंट्री है, काल्पनिक बातें नहीं है। तो अब जो है ये लोग जो हमारे जाहिर लोग हैं SC/ST OBC के, उन लोगों का मॉब लिंचिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें मॉब लिंचिंग में SC/ST OBC के लोगों का मुसलमानों के और क्रिश्चियनों के विरोध में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गुजरात में केवल घटना हमारे सामने आई है जो शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हुई है मॉब लिंचिंग। गुजरात में जो घटना हुई, गुजरात में घटना शेड्यूल कास्ट के लिए हुई, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गुजरात में शेड्यूल कास्ट की संख्या 7% है, सारे देश का एवरेज है 16%। सारे देश का शेड्यूल कास्ट की संख्या का एवरेज है 16.8%, मगर गुजरात का जो परसेंट है शेड्यूल कास्ट का वो है 7%। संख्या भी बहुत बार मैटर करती है, संख्या भी मैटर करती। मैं आपको संख्या मैटर कैसे करती है आपको बताता हूं। अगर 100 घर है, उस 100 घर में एक मुसलमान है, और 99 घर अगर अपने घर में गणपति को बिठाते हैं और एक मुसलमान का घर है, तो वो एक मुसलमान अगर वो 100 घर में रहता है वो मुसलमान भी गणपति बिठाता है। जबकि इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार ये गलत है, ये गलत है, मगर वो ऐसा सोचता है कि ये 99 लोग ऐसा करते हैं, मैं अकेला ही हूं, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा जान माल जो है असुरक्षित रहेगा। दूसरा, 99 मुसलमान के घर है और एक SC/ST OBC का घर है, रमजान आता है, एक महीने का उपवास होता है, वो SC/ST OBC का आदमी एक महीने का उपवास करता है। काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, फिजिकल इविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। मतलब केवल मुसलमानों के लिए ही ऐसा हो रहा है कि वो गणपति बिठा रहा है, नहीं, SC/ST OBC का आदमी जब 100 मुसलमानों के घरों में एक घर है तो वो रमजान के महीने में एक महीना उपवास करता है। मेरे पास फिजिकली इविडेंसेस है इसके आधार पर बोल रहा हूं। तो ये मनोविज्ञान है जिसकी वजह से ऐसे होता है, ये काल्पनिक बातें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए बताया कि गुजरात में जो 7% संख्या है वो संख्या कम होने की वजह से उनके साथ वहां घटना घटित हुई। आमतौर पर मॉब लिंचिंग की समस्या ये तीन लोगों की है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। सिखों की समस्या पहले नहीं हुआ करती थी, 84 के बाद यह समस्या सिखों के साथ होना शुरू हो गया। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, और अभी कुछ दिन पहले यूपी में सिखों के साथ हुआ, मॉब आकर के सिखों के
के साथ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी विशेषता क्या है, ये मॉब लिंचिंग की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि अगर 10-20 लोग मॉब में इकट्ठा होकर धरते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, जान ले लेते हैं और एक आदमी उसमें से वीडियो बनाता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें है ये। उस एक आदमी वीडियो बनाता है मारने का, हत्या करने का, और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देता है, बगैर सोचे समझे ऐसा नहीं करता है वो। क्यों? क्योंकि एक प्लानर है जो पर्दे के पीछे है, एक प्लानर है जो पर्दे के पीछे है। वो प्लानर जो है वो माइनॉरिटी वाला है, अल्पसंख्यक है, 3.5% वाला है। वो उसका प्लानिंग क्या है कि अगर कोई मुसलमान को मार दे और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दे तो मामला हिंदू मुसलमान का बनता है। वो बनाना उसका मकसद होता है कि मामला हिंदू मुसलमान का बन जाए। जब मामला हिंदू मुसलमान का बन जाता है तो जानते हो क्या होता है? एससी हिंदू बन जाता है, एसटी हिंदू बन जाता है, ओबीसी हिंदू बन जाता है। और अगर शांति है, सारी शांति एकदम शांति है, तो शांति में जो हिंदू हो गया था एससी, वो एससी हो जाता है, वो एसटी हो जाता है, वो ओबीसी हो जाता है शांति में। और जब फसाद होता है या मॉब लिंचिंग होता है या उसका वीडियो वायरल होता है तो वो प्रतिक्रिया में फिर हिंदू होता है। तो प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने के लिए मॉब लिंचिंग किया जाता है, फिर उसका वीडियो बनाया जाता है, फिर वायरल किया जाता है। अन्यथा दुनिया में जो अपराध करने वाले लोग होते हैं, ये देखा गया कि अपराध करने वाले लोग अपराध पर पर्दा डालने के लिए सबूत छुपाते हैं। मॉब लिंचिंग की विशेषता यह है कि अपराध का वीडियो रिकॉर्ड बनाकर सार्वजनिक करते हैं। गधे लोग नहीं है वो जो वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, प्लानिंग बनाकर कर रहे हैं, सोच समझकर कर रहे हैं ताकि सारे समाज में ये वीडियो जाए और मारने वाले लोग हीरो बन जाए कि उन्होंने मुसलमान को मारा। कोई उसमें मारने वाला ब्राह्मण नहीं होता है, वो वाला एससी एसटी ओबीसी के लोग होते हैं। और इस तरह से वो प्रतिक्रिया में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है। जब देश में हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है तो क्या होता है? तो एससी एसटी ओबीसी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, एससी एसटी ओबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, फिर उसके आधार पर उसको रिजर्वेशन मिलता है, एजुकेशन का बेनिफिट मिलता है, वजीफा मिलता है, नौकरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है, ये सारा उसको बेनिफिट मिलता है एससी एसटी ओबीसी के नाम पर। जैसे ही हिंदू बन जाता है खत्म हो जाता है, हिंदू के नाम पर यह सारा अधिकार खत्म हो जाता है। मगर जाहिल लोगों को यह समझ में नहीं आता, जो जाहिल लोग हैं उनको यह बात समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आती, ये समझ में ना आए इसीलिए इन लोगों को एजुकेशन के अधिकार से अलग रखा गया। और अभी जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, 25 साल से ज्यादा समय हुआ, आपके रिजर्वेशन का मामला खत्म हो गया, खत्म कर दिया, संविधान में है, व्यवहार में खत्म कर दिया, आपके एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपका प्रोफेशनल एजुकेशन खत्म कर दिया, आपको प्रोफेशनल एजुकेशन में 10-20 लाख पैसा भरे बगैर मेडिकल साइंस में या प्रोफेशनल एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपका सारा का सारा मामला खत्म कर दिया। जब सारा का सारा मामला खत्म कर दिया तो सारा का सारा मामला खत्म कर दिया, हमारे लोगों को उसकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वो इशू ही नहीं बन रहा है नेशनल लेवल का, वो इशू ही नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि 370 का इशू नेशनल इशू बन रहा है। आपका इशू वास्तव में नेशनल इशू है, वो इशू नेशनल इशू क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वो 370 को नेशनल इशू बना रहे हैं। जब वो 370 नेशनल इशू बनता है तो क्या होता है?
ہندو مسلمان کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے، جب ہندو مسلمان کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے تو ایس سی ایس ٹی او بی سی کا ادھیکار ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ایس سی ایس ٹی او بی سی ان کی سنکھیا ہے 74.5%، جب یہ ہندو بن جاتا ہے تو 3.5% براہمن الپ سنکھیہ براہمن، جب ہندو بن جاتا ہے یہ ورگ تو الپ سنکھیہ براہمن بہو سنکھیہ بن جاتا ہے، اور جب وہ بہو سنکھیہ بن جاتا ہے تب وہ راج ستا پر قابض ہو جاتا ہے۔ تو راج ستا پر قابض کرنے کے لیے، راج ستا قابض ہو جائے، قابض کرنے کے لیے فساد کروائے جاتے ہیں، بام بلاسٹ کروائے جاتے ہیں، موب لنچنگ کروائے جاتے ہیں، لوجیات کروائے جاتے ہیں، اور جتنے نئے شبد بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد بنے وہ سارے کے سارے ہندو مسلمان کا معاملہ کھڑا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ شدھ روپ سے راجنیتک ہے، یہ معاملہ شدھ روپ سے راجنیتک ہے، یہ معاملہ دھارمک نہیں ہے۔ ایک بات، پہلی بات۔ دوسرا، یہ معاملہ مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، موب لنچنگ کا معاملہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، فساد کا معاملہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، بام بلاسٹ کا معاملہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگوں کو ہندو بنا کر استعمال کرنے کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کے موب لنچنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ نلو 100% مسلمان اکٹھا ہو گئے تو کتنا پرسنٹ؟ 15%۔ 15% اگر اکٹھا ہو گیا تو براہمنوں کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا۔ براہمنوں کو ڈر کس بات کا لگتا ہے؟ کہ ایس سی ایس ٹی او بی سی 74.5% اکٹھا ہو گیا تو براہمنوں کا تو گیا، ختم ہو گیا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کا کچھ رہنے والا نہیں، ان کا ورچسو جو ہے 2-3 ہزار سال کا ختم ہو جائے گا۔ معاملہ ایس سی ایس ٹی او بی سی کے اندر جاگرتی نرمان نہ ہو، ساماجک جاگرتی نرمان نہ ہو، راجنیتک جاگرتی نرمان نہ ہو، جیسے کاشی رام جی نے نعرہ لگایا تھا، ووٹ ہمارا راج تمہارا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ جب یہ نعرہ کاشی رام جی نے لگایا تو اندرا گاندھی کو لگا کہ اگر یہ نعرہ جو کاشی رام جی نے لگایا اگر یہ 6 لاکھ گاؤں میں پہنچ گیا تو جاہلوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ نعرہ اتنا سیدھا سمپل ہے، ووٹ ہمارا راج تمہارا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ سارا ودوان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پنڈت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گریجویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ووٹ ہمارا راج تمہارا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اندرا گاندھی کو لگا ارے تو معاملے ختم ہو جائے گا ہمارا، اس لیے اندرا گاندھی نے ای وی ایم لایا۔ کتنے لوگوں کو بتائے؟ اندرا گاندھی نے ای وی ایم لایا۔ یہ ابھیشیک منو سنگھوی نے پرستاو رکھا کانگریس کی طرف سے سنسد میں، پنڈت اٹل بہاری واجپئی نے سمرتھن دیا، سیتارام یچوری تیسرا براہمن کالا براہمن ساؤتھ انڈیا کا، کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری، کانگریس، کمیونسٹ اور کمیونسٹ بی جے پی، یہ تینوں نے ای وی ایم لایا سنسد میں پاس کر کے، تینوں نیشنل لیول کی پارٹیاں، انہوں نے ای وی ایم لایا۔ ہمارے آئی پی ایس آفیسر صاحب بول رہے کہ آرتھک مدوں کو لے کر کے آندولن ہونا چاہیے، برابر ہے، یہ بہت بڑا مدعا ہے، راشٹریہ مدعا ہے ہم لوگوں کا، ارے مگر یہ جو ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ ہندو مسلمان کے معاملے سے نکلے تب نہ لے بھائی، یہ جو اتنا بڑا معاملہ ہے، اس معاملے والے نکلے، یہ جاہل لوگ نکلے، جاہلوں کو نکالنے کا ایجنڈے پر میں کام کر رہا ہوں پہلے نمبر پہ، یہ نکلے تو پھر چلائے، یہ بات نہیں صحیح ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب ہم سنگٹھن بناتے ہیں، چلاتے ہیں، سنچالن کرتے ہیں، نیتروتو کرتے ہیں، تو نیتروتو کے لوگوں کو 1000 سمسیائیں ہیں، اس میں پہلے نمبر کی سمسیا کون سی ہے وہ نردھارت کرنا پڑتا ہے، اس کو اسٹریٹجی بولتے ہیں۔ آپ کی 1000 سمسیائیں ہیں، پہلے نمبر کی کون سی ہے پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے،
और फिर उसको इश्यू बनाना पड़ता है। एक आम नेतृत्व का है, नेतृत्व अगर ये काम नहीं कर सकता तो नेतृत्व नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोगों को बात समझा रहा हूं और ये बात आप लोगों को, विद्यार्थियों का संगठन हमने क्यों बनाया, भविष्य के नेता बनाने के लिए। भविष्य में अभी मेरी उम्र 60+ हो गई है, तो अभी मेरी जिम्मेदारी है भविष्य का नेतृत्व तैयार करे, भविष्य का नेतृत्व तैयार करे। तो भविष्य का नेतृत्व तैयार करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, विद्यार्थी युवा बेरोजगार का जो संगठन हम बना रहे हैं उसमें नेतृत्व निर्माण करने का ओवल दर्जे का पहले नंबर का एजेंडा है। क्योंकि ये आंदोलन आगे चलता रहे तो चलता तभी है जब नेतृत्व होता है, अन्यथा चलता नहीं है। इसको चलाने के लिए लीडरशिप चाहिए और लीडरशिप को आपका जो दुश्मन है वो कौन से दाव पेच खेल रहा है उसका आकलन चाहिए और फिर उसके काउंटर में स्ट्रेटेजी प्लान करने का दिमाग चाहिए, तब जाकर के वो सफल हो सकता है, अन्यथा सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों की समस्या नहीं है, ये SC ST OBC को हिंदू बनाने की समस्या है, हिंदू बनाकर ब्राह्मणों का गुलाम बनाने की समस्या है, ये उनके इस्तेमाल की समस्या है। मगर यह करते वक्त ब्राह्मणों को मुसलमानों पर तीर चलाना पड़ता है, मुसलमानों पर तीर चलाना पड़ता है, निशाना मुसलमानों को बनाना पड़ता है और तीर चलाना पड़ता है। तीर जब मुसलमान को लगता है तो मुसलमान प्रतिक्रिया करता है, जब मुसलमान प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया से SC ST OBC हिंदू बनता है। SC ST OBC को जागृत करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता। और फंडामेंटल बात बता रहा हूं, SC ST OBC के लोगों को जागृत करके हिंदू नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण धर्म ये जन्मजात विषमता पर खड़ा है, तो ब्राह्मण प्रचार क्या करेगा, आ जाओ हमारे धर्म में आ जाओ, आपको हम लोग अछूत बनाएंगे, आपको जाहिल बनाएंगे, आपको शूद्र बनाएंगे, आ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे, साले जूते से मारेंगे, बोलोगे ना हमको चले अछूत बनाने के लिए तुम। तो प्रचार से किसी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता, ध्यान रखो, वो फंडामेंटल सिद्धांत बता रहा हूं। दूसरी समस्या है ब्राह्मणों की, ब्राह्मण पढ़े लिखे लोग हैं, मां और बाप तो बहुत ज्यादा मुश्किल से दो बच्चे पैदा करता है। ब्राह्मणों के घर में जाके देखो, वो जो मर गया सिंगल अशोक सिंगल, वो ब्राह्मणों के घरों में जाता था, मरने के पहले उसने बयान दिया, अबे ब्राह्मणों चार चार तो पैदा करो, ए मुसलमान 13-13 बच्चे 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कर नहीं रहे। मगर वो उसको कह रहा है कि 14 कर रहे, अबे तुम चार तो करो। तो ब्राह्मण के घर में मुश्किल से दो बच्चे पैदा हो, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बच्चे पैदा करके ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ना नहीं चाहता, वो कम से कम बच्चे पैदा करता है। तो ब्राह्मणों के घरों में एक और मुश्किल से दो, ज्यादा नहीं होते। पिछले समय में एक माता ने कहा 6-6 करो, फिर एक माता ने कहा 10-10 करो, वो माता को बच्चे पैदा करने का अनुभव नहीं है। अगर माता को बच्चे पैदा करने का अनुभव होता तो उसको बच्चे कैसे पैदा होते हैं दर्द का एहसास होता, बच्चा पैदा होने के बाद स्कूल में भर्ती कैसे करना है, फिर स्कूल में कैसे लेकर जाना है, और बचाओ बच्चे को बचाते बचाते स्कूल से घर में कैसे लाना है, ये माता को कुछ लेना देना तो है नहीं इससे, माता को कोई लेना देना तो है नहीं। तो वो दद्दल बच्चे पैदा करने का सलाह देती है माता, ऐसे भी कुछ बयान आए। तो ब्राह्मण अपने घर में पैदा करके संख्या नहीं बढ़ा सकते और प्रचार करके हिंदू धर्म का संख्या नहीं बढ़ा सकते। फंडामेंटल बात समझो, जब वो प्रचार करके हिंदू नहीं बना सकते, पैदा करके हिंदू नहीं बना सकते, तो प्रतिक्रिया में ही हिंदू बना सकते, ये फंडामेंटल बात है, इसको समझो। तो इसलिए सरकार उनकी है,
कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है। तो वो सरकारी मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशियरी का, मीडिया का, विधायिका का, इसके लिए इस्तेमाल करती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि मॉब लिंचिंग का, फसाद का, बम ब्लास्ट का, ये जो समस्या है मुसलमानों की समस्या नहीं है, ये एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने की, ये जाहिलों को हिंदू बनाने की समस्या है, ये राष्ट्रीय समस्या है, ये एससी एसटी ओबीसी की समस्या है। और जब तक ये समस्या बनी रहेगी तब तक ब्राह्मण मुसलमानों को टारगेट करते रहेंगे, निशाना बनाते रहेंगे, तीर मारते रहेंगे, तीर मुसलमान को लगेगा, जरूर लगेगा, तो प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू बनेगा। ये समझदारी जब तक पैदा नहीं होती, ये समझदारी जब तक क्रिश्चनों में पैदा नहीं होती, तब तक मुसलमान और क्रिश्चन स्ट्रेटेजी बनाकर काउंटर नहीं कर सकते। मुसलमानों की बड़ी समस्या लैक ऑफ लीडरशिप की है, वो आरएसएस या ब्राह्मणों की स्ट्रेटेजी नहीं समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसे काउंटर किया जाए। जब लीडरशिप को दुश्मन की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती तो वो काउंटर प्लान नहीं बना पाते। अरशद मदनी साहब भागवत को मिले, अब भागवत को मिलने से क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाओगे, भैंस को संगीत का ज्ञान है? तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो तो भैंस जो है उसको उसको कौन से राग में बीन बज रहा है समझ में आएगा क्या? वो मदनी साहब अगर भागवत को समझाएंगे तो वो भैंस के आगे बीन बजाएंगे, ये समझ में आ जाएगा? तो क्या मुसलमान ऐसा मानते हैं कि भागवत को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए गलतियां कर रहा है? तो ये ना समझी की हद है भाई, भागवत को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मदनी साहब जाकर समझाएंगे तब उसको समझ में आए। और कितनी ना समझी है भाई, ना समझी की भी कोई हद होनी चाहिए। तो समस्याएं बहुत ज्यादा है और समाधान जो है उस दिशा में नौजवानों को काम करने की जरूरत है। मैंने एक नुक्ता समझाने की कोशिश की क्योंकि समय कम है और बहुत ज्यादा बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर आप लोगों के भोजन का भी प्रबंध देखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पेट में अन्न नहीं होगा और मेरा प्रवचन इसी तरह से चलता रहेगा तो हवा में उड़ने की संभावना है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। Thank you।